YouTube पर एक कमेंट आया था, उसमें कमेंट में ये कहा गया था कि जो HRRL की टाउनशिप है, टाउनशिप का व्यू जो हमें वीडियो के जरिए दिखाया जाए, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो सामने ही टाउनशिप है और टाउनशिप का वीडियो है जो हम अभी शूट करेंगे इस वीडियो के जरिए, आपको पूरा टाउनशिप का व्यू दिखाएंगे और साथ साथ में इस साइड में ही आप देख सकते हैं रिफाइनरी भी सामने है। और ये जो टाउनशिप की जो रोड आ रही है, यहाँ से रोड आते ही सीधा इस साइड में अंदर चली जाती है, बीच में जो बाड़मेर वाले हाईवे को क्रॉस करती है और सीधी ये जो गेट है एक नंबर गेट के अंदर एंट्री होती है रिफाइनरी के अंदर। तो जो टाउनशिप का वीडियो है और आप टाउनशिप की बाउंड्री है ये देख सकते हैं, चार तरफ पीछे टाउनशिप की बाउंड्री बनी हुई है और ये जो पानी के बड़े बड़े टंकियां बनी हुई ताकि ये फ्लैट्स में जो पानी की सप्लाई जा सके, इसलिए इस पे हाइट पे बनाई गई है। और शाम का समय है, बहुत ही शानदार व्यू इसमें आ रहा है वीडियो के जरिए, आप देख सकते हैं टाउनशिप का व्यूज हम वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो में, लगातार आपको एक एक पॉइंट दिखाया जाएगा जहां पर पानी का स्टोरेज डैम है, मुख्य गेट है, सेकंड गेट है, सारे गेट दिखाए जाएंगे टाउनशिप के। हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाली रिफाइनरी की संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसके बारे में हम वीडियो के जरिए आपके तक पोस्ट करेंगे सबसे पहले। थैंक यू। वो रोड अलग है। अच्छा, आगे ड्राइवर देखे शोर को कम से कम 7-8 फीट हाइट पर उठाया गया है ना। हाँ, के अंदर ये रोड आई हुई थी। हाँ, जो पुराना नक्शा था उसमें इस रोड को बंद नहीं था, वो मतलब बाईपास दे रहे थे खेर रोड से। फिर बाद में कुछ विवाद हुआ, पता नहीं क्या हुआ, तो उससे वापिस इस रास्ते को देना पड़ा। जमाने में अंग्रेजों ने यहाँ पर नमक के ऊपर शासन जमाया था और यहाँ पर पहली सेंचुरी जो है ये जिसके पुराने अवशेष आज भी मौजूद है। तो ये जो सामरा गांव के लिए जाती है मुझे लगता है रोड। अच्छा, सामरा गांव के लिए एक रास्ता निकला है, वो रास्ता जा रहा है और टाउनशिप के लिए शायद मुझे लगता है आगे से कोई रोड है। तो ये फार्म हाउस है ना, उसके बगल से शायद एक रोड गई हुई टाउनशिप के लिए। ये जो बीच में एक रोड दिख रही है आपको, ये रिफाइनरी का डायरेक्ट है और यही रोड जो है टाउनशिप का थी। टाउनशिप के जो अधिकारी है डायरेक्ट उधर से सीधे आएंगे और बीच में इस रोड को क्रॉस करेंगे। जिस रोड पे अपन चल रहे हैं, यही तो क्या रोड है, यहां पे दीवार टाउनशिप है, और यहाँ पर ये जो बना हुआ ना पास में डैम बना हुआ है। हाँ, और ये जो रोड जा रही है टाउनशिप के लिए जा रही रोड है। और कॉलोनी जाने के लिए इधर है। ये जो रास्ता जाता है वो कॉलोनी की तरफ जाता है और ये जो रास्ता जाता है रिफाइनरी की तरफ जाता है। हाँ, तो ये जो बीच में रोड जो क्रॉस हो रही है ना, ये रोड मैंने बोला ना कि ये रोड क्रॉस करके जाएगी। एचपीसीएल के जो अधिकारी है वो इस हाईवे रोड को क्रॉस करेंगे, जो ये बाड़मेर जोधपुर के लिए रोड निकलती है, जो
जी, बाड़मेर जाती है रोड अभी, और अपने इस साइड में है जो टाउनशिप है। अब टाउनशिप के टाउनशिप बिल्कुल 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 हमें वीडियो में दिखने लगी है बड़ी बड़ी टाउनशिप का बोर्ड लगा हुआ, और ये सर्किल से मुड़ते हुए सीधा टाउनशिप की तरफ। कितनी शानदार टंकी बनी हुई पानी की, देखो पानी का तो डैम कितनी लुक, इनका लुक कितना ऐसी डिजाइन की टंकी मैंने भी फर्स्ट बार देखी है। काफी जगह घूमो, काफी शहरों में। इसकी जो सीढ़ियां है अंदर से अक्सर बाहर से दी हुई होती है, और इसके अंदर झरोखे भी बने हुए बाबू जी देखिए, दूसरी टंकी के अंदर अगर देखेंगे ना अपन तो झरोखे टाइप बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए HHR टाउनशिप का बोर्ड इस साइड में मुड़ने के बाद, ये देखिए टाउनशिप का घुमावदार बोर्ड है, बहुत ही शानदार। हाइट कितनी ली है रोड की, काफी रोड की हाइट और टाउनशिप की रोड एकदम पैक है चारों तरफ से, किसी प्रकार के इसके अंदर कोई जीव जंतु आ नहीं सकता है। हां, किसी प्रकार की नील गाय की प्रधानता ज्यादा है, बारवाड़ी बोले तो रोजला, हां नील गाय है, सुअर है वगैरह एकदम अचानक से रोड पे दौड़ के आ जाते हैं बीच में, तो इसी को रोकने के चक्कर में ये शायद यहाँ से लेकर मुझे लगता है रिफाइनरी तक लगातार है इतनी ऊंचाई पर दी हुई है, और ये बीच बीच में डिवाइडर इस जगह पे काफी पानी का बहाव जो है बहाव की वजह से भी रोड की ऊंचाई हो सकती है। नहीं, रोड की तो ऊंचाई है, लेकिन ये जो लगाया ना बैरिगेटर साइड में ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। ये देखिए रिफाइनरी टाउनशिप कुछ बिल्डिंग तैयार हो रही है, क्वार्टर तैयार हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आगे का जो प्लान है वो कम्प्लीटली तैयार है, और लोग निवास भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मेन गेट पर चौकीदार बैठा है, यहाँ अंदर तो जाना मेरे को मना होगा, मुझे लगता है एंट्री नहीं होगी अपनी, अब इसको चार तरफ से घुमा लेते हैं एक बार, देखते हैं ना अगर कोशिश करेंगे अंदर जाने की, अगर बात करें तो एक बार कोई जानकार बैठा हो। बिल्कुल, एसी युक्त जो निवास है, कंपनी प्रोवाइड करवाती है तो अच्छी सर्विस ही प्रोवाइड कराएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री कंपनी है, बाउंड्री वॉल भी मुझे लगता है कि कम से कम 12-15 फुट हाइट पर है आराम से, और उसके ऊपर भी 2 फुट की तार लगे हुए हैं, और तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ बाउंड्री को कवर कर रही है, देखो एक उस साइड लगाओ एक इधर लगाओ, हर मतलब आप देखो कॉलोनी के अंदर मौजूद है, पूरा राजस्थानी टच दिया हुआ है, 100 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे दिए हुए हैं, पूरा राजस्थानी टच दिया हुआ है, ओ मेन गेट, मेन गेट देखिए कितना शानदार यार, ऐसा लग रहा है जैसे राजा महाराजाओं के महल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा मुझे तो राजमहल की तरह दृश्य लग रहा है। ये देखिए आगे गेट है, सिक्योरिटी गेट, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, इसका फोटो ले लीजिए, फोटो में अपना साथ में फ्रंट में वीडियो में लेंगे अपन। अपन अभी टाउनशिप से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे स्लोली स्लोली मुख्य गेट है, मेन गेट है, मेन गेट मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, ये देखिए बहुत ही शानदार बना हुआ है, वास्तव में पानी के भी निकासी की बहुत, देखिए बाबू जी देखिए ये जो पानी आ रहा है ना, ये पानी स्वतः ही अंदर से निकल रहा है। अच्छा अच्छा, ये बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं, बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं, नहीं नहीं पाइप का मैटर तो अलग है, पाइप तो ये पानी निकासी के लिए दिए गए हैं, ये अंदर जो है ना पानी निकल रहा है, जो रिफाइनरी में कार्य हो रहा था ना, हां तो जहां अगर टाके या बड़े हॉल खुलते थे ना तो वहां से पानी स्वतः ही आ जाता है अंदर, जमीनी तल से पानी आता है। ये सेकंड गेट है, देखिए सेकंड गेट है, ये सेकंड गेट है, सिक्योरिटी चेक करते हैं, हां सिक्योरिटी चेक होता है, देखिए राजस्थानी लुक्स लगता है, हेरिटेज होटल में आ गए, हेरिटेज होटल की तरह बनाया हुआ है, जैसे कोई राजस्थानी राजा महाराजाओं के जो महल होते थे उस टाइप में इसको बनाया गया, और इसकी बनावट जो है जो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक स्टेप बाय स्टेप में दी होता है, हवा भी चारों तरफ से क्रॉस हो सके, और यहाँ पर एक और नई बिल्डिंग निर्माण हो रही है, मुझे किसी ने बोला था लगभग 1100 के आसपास यहाँ पे फ्लैट बनेंगे। अच्छा अच्छा, और ये जो है जो पास में दिख रहा है डैम, पानी का पानी के लिए प्रचुर मात्रा है यहाँ पर, पानी का जो डैम है रिफाइनरी के लिए का स्पेशल अलग से डैम है, पानी का बहुत बड़ा डैम बन रहा है ये डैम, ये तो पानी दिख रहा है ना, ये बाबू जी अंदर से आता है ऑटोमेटिकली जमीन तल से पानी का बोले तो रिसाव होता है यहाँ से, रिसाव होने का मुख्य मुझे लगता है कि डैम से तो पानी रिसाव नहीं हो रहा, क्या पता यहाँ जो रेत है ना, हाँ वो बड़े कणों की रेत है, बालू रेत मकान वगैरह बनाने में बजरी काम में ली जाती है ना, उस प्रकार की रेत, क्योंकि यहाँ पर पहले मुझे लगता है कि मुख्य जो नदी चलती थी राजस्थान के ये बालोतरा जिले की जो लूणी नदी चलती थी, ये लूणी का प्रवाह स्थल नहीं है इधर, तो ये मुझे लगता है जोजरी का है हाँ, तो जोजरी और लूणी नदी का प्रवाह स्थल है, और यहाँ पर ये जो बड़ा डैम बना हुआ है, और डैम को भी सिक्योरिटी से पैक किया हुआ है, चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है,
डैम को तो जरूरी पैक करना जरूरी होता है कि कोई जीव जंतु अंदर नहीं घुसे, अंदर गिरे नहीं। और डैम बहुत, मुझे लगता है बहुत लंबा है। ऐसा यहाँ से सारा पानी जो है अंदर जाएगा, पीने के काम भी आएगा, कुछ और भी काम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी टाउनशिप। वो पीछे जो ब्लैक ब्लैक जो टाउनशिप तो तैयार हो रही है, वो तैयार हो रहा है। ये जो कलर हो चुका है रंगीन, इसमें निवास कर रहे हैं, इसमें जो निवास शुरू हो चुका है। और अधिकारियों की जो गाड़ियां भी खड़ी दिखाई दे रही है हमें अंदर, मतलब आने वाले लोग जैसे पचपदरम जो मार धार धड़ाधड़ अंधाधुंध मकान बन रहे हैं, वो तो मकान आने वाले समय मुझे लगता है बाबूजी खोखले पड़े रहेंगे, खंडर हो जाएंगे। किराए के पर्पस के हिसाब से जो लोग बना रहे हैं वो तो पूरा रिफाइनरी के हिसाब से जो बना रहे हैं, भाई हम रिफाइनरी के लोग यहाँ पर रहेंगे हमारे, उनके लिए मुझे लगता है कि ये जो रूम है बना रहे हैं वो वेस्ट रहेंगे। कारण क्योंकि यहाँ पर कम से कम 1100 नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादा ही कुछ नहीं, नहीं, मैंने सुना था कि 1100 के आसपास बन रहे हैं। अच्छा 1100 बंद रहे, पता नहीं कितने होंगे। हाँ, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। ये जो कोई विवेक को जानकारी होगी तो जरूर कमेंट में देगा कि भाई। अब देखते हैं एक बार इसका जो डैम है, डैम का जो गेट है ना वो अपन दिखा रहे हैं, शायद चलते हैं डैम के गेट तक। चले धीमी गति से बाइक चलाते हैं। बागुंडी टू रिसोर्ट, ये जो है डैम का जो है मुख्य मुख्य द्वार है, जहाँ से पानी की सप्लाई रिफाइनरी के लिए होती है और रिफाइनरी के कॉलोनी के लिए होती है। यहाँ से डैम में पानी स्टोरेज होता है और उसके बाद में होता है यहाँ पर वाल ऑपरेटिंग सिस्टम दिया। वो बहुत बड़ा डैम है जहाँ पर मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 महीने का पानी स्टोरेज है। अगर पीछे से पानी नहर बंदी रहती है तो यहाँ जो स्टोरेज पानी है उस स्टोरेज पानी से रिफाइनरी का जो कार्य और जो रिफाइनरी की जो टाउनशिप है उसमें पानी की कमी नहीं हो। इसके चलते यहाँ पर कम से कम 3 मंथ के लिए स्टोरेज। यहाँ से रिफाइनरी का देखिए व्यू, देखते हैं अपन कितना अच्छा व्यू आ रहा है। टाउन धीरे धीरे चलेंगे टाउनशिप, टाउनशिप के मेन गेट की ओर। ये देखिए रोड यहाँ पर धस चुकी है, मुझे लगता है पानी के हिसाब से, पानी के हिसाब से जाने। ये रोड को बहुत अच्छे मजबूत किया हुआ है, ये जो बगल में पाइप वगैरह सारे, मतलब इसकी जो कोशिश करी गई है भाई अच्छे से रहो। बहुत ही वेल सेटल्ड कॉलोनी है और चारों तरफ से सिक्योर है। सिक्योर है बिल्कुल, एक परिंदा भी जो ऊपर नहीं मार सकता। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए यार, मतलब ये देखिए डैम के अंदर का जो पानी का जो व्यू है वो जरूर दिखाएंगे। और शायद ये भी पता करेंगे कि भाई साहब यहाँ से अपन सीसीटीवी कैमरे क्या कहते हैं वो ड्रोन की मदद से अगर अपन वीडियो शूट करना चाहे तो यहाँ पर पहले पूछताछ करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रोन की परमिशन लेके काम करना पड़ेगा। अरे बाबू जी ड्रोन वोन का क्या रग रहा है सर, जाने दीजिए इतना। अच्छा अच्छा ठीक ठाक, अपना टाउनशिप दिख गई। हाँ अच्छी टाउनशिप है, राजस्थान लुक दिया गया है, लगता है वहाँ के कहीं रजवाड़े में आए हैं, राके रहे हैं जो वहाँ से, मतलब केरल है उधर से जो लोग आते नहीं आ रहेंगे तो एक रहेगा वहाँ रईसी ठाठ में रहते हैं। ये मुझे लगता है जो लखनऊ का जो रेलवे स्टेशन है ना, उसका जो कलर है कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन की जो झलक है वाटरों की, उस टाइप की इसमें झलक नजर आती है। भाऊजी मैं कभी लखनऊ गया था नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसके जो ये बने हुए ना ऊपर, वो जो ऊपर जो रेड रेड दिख रहा है, और वो ये क्या होता है जैसे अपने घर बने हुए होते हैं ना, घरों की जो ऊपर पट्टियां डली हुई थी ना पत्थरों की, जिसे मारवाड़ी में छीने बोलते हैं, छीनों की ब्लॉकिंग के लिए ऐसा लगाया हुआ होता है, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स बड़े बड़े मतलब कम हवेलियों में। बिल्कुल बिल्कुल, उस तरीके का मुझे लुक दिखता है। इनकी जो खिड़कियां है वो भी सब देखिए राउंड शेप में दी हुई है, कांच से दी हुई है, सब डबल फ्रेम की है, और जो सीढ़ियां है उसमें जाली लगी हुई है। देखो ये ऐसी कॉलोनी में एक बात है, रहने का मजा ही कुछ और है, एकदम शांति प्रिय सेटल्ड है, वो हल्ला नहीं। और इसके अंदर प्ले ग्राउंड वगैरह सब सब बने हुए हैं, ये जो लाइटें दिख रहे हैं यहाँ प्ले ग्राउंड है ये। हाँ एक बार मैं गया था अंदर, हाँ तब तो ये बनना था यार बहुत, अब तो मतलब क्या बोलूं मैं, 7-8 महीने डबल, काफी लोग इसमें निवास।